एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, पीटी ऑफेंस पर प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही, रेस्क्यू किए बालकों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर डिप्टी जेलर ब्रजेश नारायण पांडे, अभियोजन अधिकारी राजेश मल, न्याय विभाग, श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी धीरज सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी शिव शंकर चौबे, थाना एएचटी जनपद गोरखपुर के समस्त स्टाफ व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, बता दे कोई अगर लिख करके दिया सर, इस पर एक यूज जो है, एक यूज के काउंसिल पहले सुन लीजिए, एक यूज का काउंसिल जो है आपके पास यही रहता है कि नहीं मैंने बयान नहीं लिया, क्योंकि एसआर रजिस्टर से हम लोग प्रूफ करा देते हैं, वो अलग चीज है, उसका अलग कोई नहीं करता, हमें तो आज से किसी के जाएगा, हमने कुछ नहीं किया आज क्या जाता सर, हमने भी कह रहे थे सर, और उसके बाद 164 ई का जो है मेडिकल है उसी के आधार पे आप करिए, अगर आपको लग रहा है कि ये असत्य है तो आप असत्य के लिए आप करते करिए, अगर आपको लग रहा है सत्य है तो सत्य के लिए आप करते करिए, आपको सिर्फ 164 एसजीपीयू की बैठक थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जो इससे संबंधित हैं वो सभी इसमें उपस्थित आए थे। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बच्चे बरामद होते हैं सड़कों पे काम करते हुए या ढाबों पे काम कर रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं या जो किसी मुकदमे से संबंधित हैं, उन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के संबंध में और जो बच्चे रिकवर हो रहे हैं उनको कैसे हम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएँ हैं उनसे हम कैसे उनको कनेक्ट करके और उन योजनाओं का लाभ उनको दिला सकें ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें, इस संबंध में चर्चा हुई और विवेचनाओं के और जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट के संबंध में जो विवेचकों को कुछ कठिनाइयां आती हैं उसके संबंध में चर्चा हुई, प्लस कोर्ट में जो कमियां देखने को मिलती हैं इन एक्ट से संबंधित उसके विषय में चर्चा हुई और एक अच्छी बैठक हुई आज जिसमें वेजनाओं के सिग्नेचर पर भी निर्देश दिए गए।